Welcome to Online Study Corner. This is our first video of phonetic transcription. In this video, we will discuss the introduction to speech sounds along with the transcription of different words, vowel, and consonant sounds. Phonetic transcription is a visual representation of speech sounds with the help of symbols in accordance with the International Phonetic Alphabet. Phonetic transcription क्या होता है? Speech sounds का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन, किस तरह से हम वर्ड्स को बोलते हैं तो उन्हें बोल जिस तरह से बोला जाता है उसी तरह से सिंबल्स की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो ये सिंबल्स की हेल्प से विजुअली रिप्रेजेंट करना किसी भी स्पीच की साउंड को, किसी भी वर्ड की साउंड को क्या कहलाता है? फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है. किस तरह से हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स. और ये सिंबल्स कहाँ से हमें मिलते हैं? इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट से मिलते हैं. एंड फॉर एनी साउंड यूनिट, किसी भी साउंड यूनिट का जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल साउंड यूनिट है उसे हम फोनेट कहते हैं. हमेशा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का जो बेस होता है दैट इज प्रोनंसिएशन और स्पीच साउंड. व्हाट इज द बेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन? इट इज प्रोनंसिएशन और स्पीच साउंड. ये क्वेश्चन मैनी टाइम्स इन मैनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आ चुका है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का बेस स्पीच साउंड या प्रोनंसिएशन होता है, ना कि राइटिंग होती है. इंग्लिश में हमारे पास जो साउंड सिस्टम है वो किस तरह से बना है? व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ साउंड सिस्टम इन इंग्लिश? इन इंग्लिश वी हैव टोटल 26 लेटर्स, आई मीन A to Z. These are 26 in number, but these 26 letters form total 44 sounds, and these 44 sounds are further divided into three categories. These 44 sounds are divided into vowel sounds and consonant sounds. Phonetic, ये जो word है हमारे पास phonetic, लिखते हम इसको इस तरह से हैं, लेकिन its speech is its speech sound is फोनेटिक, नॉट फोनेटिक. ठीक है, इसी तरह से वॉवल्स ना बोलकर हम इसे क्या बोलते हैं? वॉल साउंड. तो टोटल हमारे पास 44 साउंड्स हैं. इन 44 साउंड्स में से 20 वॉल साउंड्स हैं एंड 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं. अब कॉन्सोनेंट साउंड्स तो सेम है, 24 साउंड्स हैं, लेकिन वॉल साउंड्स को आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज मोनोफोंग एंड सेकेंड इज डिफथोंग. मोनोफोंग होती है सिंगल साउंड. इन्हें जैसा कि ये सिंगल वोवल साउंड होती है, दोनों क्या है? मोनोफोंग और डिफथोंग दोनों वोवल साउंड है. मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी कि वन. ठीक है, दैट मीन्स जब एक वोवल की साउंड आ रही है, एक वोवल साउंड आ रही है, तो उसे हम कहेंगे मोनोफोंग. जैसा कि इसमें सिर्फ एक ही वोवल की साउंड है, देर इज नो मिक्सिंग ऑफ अनदर साउंड, सो वी कॉल इट प्योर वोवल्स. इसमें सिर्फ एक साउंड है, कोई मिक्सिंग नहीं है, इसीलिए इसे प्योर वोवल्स कहते हैं. एंड प्योर वॉल साउंड्स और मोनोफोंग साउंड्स आर 12 इन नंबर. टोटल वॉल साउंड्स कितनी है? 20. उनमें से 12 क्या है? प्योर वॉल साउंड्स है, यानी कि मोनोफोंग्स, यानी सिंगल वॉवल साउंड है. अब हम डिस्कस करते हैं डिपथोंग्स को. अब मोनोफोंग्स कौन से हैं? जैसे ए, ये एक सिंगल साउंड है. ठीक है, या आ, एक सिंगल साउंड है. राइट, अब इसी तरह से अगर हम डिस्कस करें डिपथोंग को, तो डिपथोंग क्या होते हैं? डिपथोंग होते हैं, डिपथोंग में जो स्टार्टिंग वर्ड है डाई, इसका मतलब होता है टू. तो ये क्या है? टू वॉवल साउंड से मिलकर एक साउंड, एक वॉवल साउंड जब बनती है तो उसे क्या कहते हैं हम? डिपथोंग कहते हैं. जैसे आ और ई, आई. ठीक है, तो ये साउंड क्या है? एक और दो, दो वॉवल साउंड से मिलकर बनी है. जैसे क्राई में, ठीक है, क्राई में क्या है हमारे पास साउंड? लास्ट में आ और ई, क्राई, आई. ठीक है, ये है जो साउंड क्राई, इसमें लास्ट साउंड क्या है? आ प्लस ई, क्राई. ठीक है, तो ये क्या है? डिपथोंग साउंड है. अब जैसा कि डिपथोंग साउंड दो वॉवल से मिलकर बनती है तो ये मिक्स्ड वॉवल साउंड्स भी कहलाती है. और यहाँ क्या होता है? पहले एक वॉवल की साउंड होती है, फिर एक वॉवल से साउंड दूसरे वॉवल की तरफ शिफ्ट कर जाती है, इसीलिए इन साउंड्स को ग्लाइड्स या शिफ्ट भी कहा जाता है. These are 8 in number. And in today's lecture, we'll discuss
सिंबल एंड ट्रांसक्रिप्शन फॉर मोनोफोन्स ओनली. एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस कंसोनेंट्स एंड देन इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस डिप्थोंग्स. सो टॉपिक फॉर टुडे सिंबल एंड साउंड्स इज मोनोफोन्स. वी हैव टोटल 12 मोनोफोन्स. मोनोफोन्स यानी प्योर वोवल साउंड्स. टोटल 12 प्योर वोवल साउंड्स हैं. इनमें से फर्स्ट वोवल साउंड है हमारे पास अ. अ के लिए तीन सिंबल यूज किए जाते हैं. एक है ये, दूसरा ये और तीसरा ये. ठीक है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है ये हम देखेंगे इसमें. अब देखिए, पहले जो अब साउंड्स में कुछ साउंड्स होती है लॉन्ग साउंड, कुछ होती है शॉर्ट या वीक साउंड. शॉर्ट और वीक साउंड्स को हम रैपिड साउंड्स भी कहते हैं. जैसे अब जो ये अ है हमारे पास, जिसके लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, इसे श्वा भी कहा जाता है. इस सिंबल को श्वा कहा जाता है. और हमेशा कोई भी ट्रांसक्रिप्शन साउंड सिंबल्स को, दैट मीन्स इन स्लैशेस के बीच में बंद कर दिया जाता है, तभी ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होती है. तो अब जिस वोवल्स की अ की यानी कि बात हम कर रहे हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वो एक लॉन्ग वोवल साउंड है. जैसे टीचर. अब देखिए, टीचर में जो लास्ट अ की साउंड है, पहली साउंड क्या है ट, दूसरी क्या है ई, फिर क्या है च और फिर क्या है र. लेकिन र से पहले ये जो लास्ट र होता है, इंग्लिश में जो लास्ट र होता है, उसको हम हमेशा क्या कर देते हैं, साइलेंट कर देते हैं. तो क्या आएगा यहाँ पर, टीचर, ना कि टीचर. ठीक है, तो अब जैसा कि लास्ट में र को साइलेंट कर दिया हमने, तो जो लास्ट सिंबल है वो किस चीज का हो जाता है, अ का, टीचर. ठीक है, और कंसोनेंट सिंबल्स को हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इसीलिए आज सिर्फ आप वोवल साउंड के यानी मोनोफोन के सिंबल्स पर ही अपना फोकस रख सकते हैं. नेक्स्ट है फेदर. फेदर में देखो हमारे पास क्या साउंड है. फेदर फर्स्ट साउंड है, फिर क्या है ए, फेदर. ठीक है, तो इसलिए हमने ए यूज किया. द, द के लिए ये सिंबल यूज करेंगे. फिर से क्या है, अ प्लस र. लेकिन जो लास्ट र है, फाइनल जो र साउंड है किसी भी वर्ड में, उसको हम ओमिट कर देते हैं. और जब फाइनल र साउंड ओमिट हो जाती है, तो उसकी जगह ये सिंबल यूज करते हैं हम. नेक्स्ट है अबाउट. ये तो थी देखो फाइनल साउंड, लेकिन अबाउट में ये इनिशियल साउंड में यूज हो रहा है, अबाउट. ठीक है, अबाउट में फर्स्ट साउंड क्या है, अ. ठीक, क्योंकि अब अबाउट बहुत ही लंबे साउंड है, लॉन्ग साउंड है यहाँ पर, इसलिए हमने स्टार्टिंग में ये सिंबल यूज किया. देन ब, फिर अ और ऊ की का यूज किया है यहाँ पर, और फिर ट का यूज किया. राइट, नेक्स्ट साउंड क्या है, फिर से अ साउंड है. और ये जो अ साउंड है, ये एक रैपिड साउंड है, मतलब बहुत ही स्लो बोली जाती है. ये एकदम से बोलते ही नेक्स्ट वर्ड पर हम चले जाते हैं, और बहुत ही कम टाइम में ये साउंड ख़त्म हो जाती है. तो ऐसे ही रैपिड अ साउंड के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं. जैसे बस. बस में क्या है, ब, बस. हल्की, अगर हम हिंदी में इसको लिख के देखते हैं, तो इस तरह से लिखेंगे, अ को कहीं भी दिखाया नहीं जाता. और जब हम बोलते हैं, तो हल्की सी अ की साउंड आती है यहाँ पर, बस, बट. ठीक है, लेकिन ये बहुत ही रैपिड यानी बहुत कम टाइम के लिए होती है ये साउंड. ठीक, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम ये सिंबल यूज़ कर देंगे. देखिए, ब, अ और स. नेक्स्ट है बट, और उसके बाद मच. तीनों में क्या है, रैपिड अ साउंड का यूज़ किया जा रहा है. नेक्स्ट वॉवल साउंड है हमारे पास ए. ए के लिए भी दो सिंबल यूज किए जाते हैं, एक आपको दिखाई दे रहा है और दूसरा क्या है, ये वाला ए है. ठीक है, अब ये जो फर्स्ट ए है, ये क्या है, शॉर्ट साउंड के लिए यूज हो रहा है, और जो नेक्स्ट वाला हम करेंगे वो लॉन्ग साउंड के लिए यूज होगा. अब इसकी पहचान क्या होती है, अगर वर्ड के अंदर, स्पेलिंग के अंदर जो वर्ड हमें ट्रांसक्रिप्शन के लिए दिया गया है, उसमें ई वर्ड है, उसमें क्या है, ई वर्ड है, और वो जो ई वर्ड है वो ए साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, सेम ई की साउंड यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, मतलब यही वाला सिंबल यूज़ हो जाएगा. इसी तरह से टेन में. नेक्स्ट है ए सिंबल. ये क्या है, लॉन्ग ए साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है. लॉन्ग ए साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे
जब हम इसको बोलते हैं ना तो लॉन्ग अ की साउंड आती है, लेकिन जब हम लिखते हैं तो बड़े वाली ए की मात्रा की यूज होता है यहाँ पर, जैसे कैट में, ठीक है। बोलते टाइम किस चीज़ की साउंड आ रही है, अ की साउंड आ रही है, ए की लंबे वाले की, ठीक है। और जब हम इसको लिख के देखते हैं तो ए लिख रहे हैं, वहाँ पर ए की मात्रा का यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम ये सिंबल यूज करेंगे। दूसरी पहचान क्या है, इसमें स्पेलिंग में आपको ए लेटर मिलेगा इस साउंड के लिए, लेकिन उसकी साउंड क्या होगी, ये ए, ठीक है, यानी लॉन्ग ए। तो उसके लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे, जैसे कैट, फैट और मैट, राइट। इसके बाद देखिए ई साउंड, ई साउंड भी दो होती है हमारे पास, एक आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है जो कि रैपिड साउंड है या शॉर्ट साउंड है, ठीक है। यानी कि जब हम थोड़े टाइम के लिए क्या बोल रहे हैं, ई का यूज़ कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर क्या वर्ड है, शिप वर्ड है, शिप, जब हम शिप बोल रहे हैं तो शॉर्ट वॉइस है यहाँ पर ई की, तो श, श के लिए ये लॉन्ग एस यूज़ करते हैं हम, और फिर ई, इस ई के लिए छोटी साउंड के लिए ये वाला अल्फ़ाबेट, सॉरी ये वाला सिंबल हम यूज़ करते हैं, तो ये सिंबल आ गए यहाँ पर, और फिर प, इसी तरह से सिट, फिट, पिन और डिप। नेक्स्ट है लॉन्ग ई साउंड, क्या है ये लॉन्ग ई साउंड, लॉन्ग ई साउंड के लिए ये सिंबल आप यूज़ करेंगे, जैसे टीचर, टीचर में हमने क्या किया, ट के बाद जो साउंड थी ई की, वहाँ पर इसका यूज़ कर दिया। इसी तरह से एक तो था जो हमने लास्ट किया था शिप, अब क्या है, शिप, भेड़, यानी कि इसके लिए हमने श के बाद लॉन्ग ई यूज़ किया, इसी तरह से रीप और इसी तरह से डीप में किया। नेक्स्ट क्या है, एक हमने स्टार्टिंग में दो अ किए थे और थर्ड अ क्या था, थ्री बनाकर दो डॉट बना दी जाती हैं इसमें। इसमें क्या होता है, अ के साथ अगर र की साउंड है, वहाँ भी क्या था, अ के साथ र की साउंड, लेकिन र क्या था वहाँ पर, साइलेंट था और र बिल्कुल वर्ड के लास्ट में था। यहाँ पर र वर्ड के लास्ट में नहीं होता, यहाँ वर्ड कहीं पर भी मिड में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, जहाँ र की साउंड हमें प्रेजेंट करनी है, कटनी ही कटनी र की साउंड, तो वहाँ हम इस सिंबल का यूज़ करेंगे। जैसे कर्ड, फर्स्ट वर्ड क्या है, कर्ड, कर्ड में फर्स्ट साउंड है क की, क के लिए ये सिंबल यूज़ करेंगे, अ प्लस र के लिए ये सिंबल यूज़ करेंगे और ड के लिए ये सिंबल यूज़ करेंगे, कर्ड, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट है चॉप, चॉप में च, फिर अ प्लस र के लिए ये सिंबल यूज़ कर दिया और प। नेक्स्ट है बर्ड, बर्ड में फर्स्ट साउंड है ब, नेक्स्ट साउंड ये और फिर ड, इसी तरह से डर्ट, फिर कल और देखिए नेक्स्ट साउंड है अर, अर में क्या है, देखो ये साउंड क्या है, अर, और ये पूरा ही मिलके क्या बना रहे हैं, अर, इसीलिए सिर्फ ये सिंबल यूज़ कर दीजिए, क्या बन जाता है यहाँ पर, अर साउंड को रिप्रेजेंट कर देता है ये। नेक्स्ट है हमारे पास ऊ साउंड, ऊ भी इसी तरह से दो हैं, एक शॉर्ट साउंड है और एक लॉन्ग साउंड है। यहाँ पर जो हम ऊ स्क्रीन पर आपको शो कर रहा है वो क्या है, शॉर्ट या डीप साउंड के लिए यूज़ किया गया है। जैसे बुक, जिसे हम बोलते हैं बुक, तो थोड़ी सी छोटी आवाज़ आती है ऊ की, बजाय कि अगर हम बोले बुक, ठीक है, तो यहाँ क्या है, ये क्या होगा, बुक होगा ना कि बुक होगा, राइट। अब देखिए ऐसी शॉर्ट साउंड के लिए हम क्या, कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, ऊ के लिए ये सिंबल यूज़ करेंगे, राइट। अब इसके बाद है गुड, नेक्स्ट क्या है, फुल, तो इस तरह से ये सिंबल आप शॉर्ट साउंड के लिए यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है लॉन्ग ऊ, यानी कि जब ऊ की वॉइस थोड़ी लॉन्ग होगी, थोड़ी लंबी समय तक कंटिन्यू रहेगी, देन वी विल यूज दिस सिंबल, लाइक इन पूल, शूट, ग्रुप, टूल, सूट, ये सारे के सारे लॉन्ग ऊ साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पूल, प के बाद लॉन्ग ऊ, फिर ल। नेक्स्ट है शूट, श ऊ ट, ग्रुप, टूल और फ्रूट, क्लियर। नेक्स्ट साउंड है हमारे पास दो ओ साउंड है, जो फर्स्ट ओ साउंड है वो रैपिड साउंड है, मतलब थोड़े से टाइम के लिए बोलते हैं, जिसे अ में किया था हमने, ठीक है। तो जैसे कॉल और फ्लो, ये क्या है, थोड़े टाइम के लिए बोली गई है, रैपिड साउंड है, तब हम इसका यूज़ करेंगे। इसके बाद है लॉन्ग ओ की साउंड को, जैसे कोट, ठीक है, ओन, जहाँ हम पूरा ओ लिखते हैं, ठीक। अब क्या है गोट, अब क्या है गोट। नेक्स्ट साउंड है हमारे पास आ की, आ में
ये सिंबल यूज़ किया जाता है आ साउंड के लिए, जैसे फादर, दास, पाथ। ठीक है, पाथ में हम क्या करेंगे, प, फिर ये आ के लिए ये सिंबल और थ, राइट। तो ये थी हमारी 12 मोनोफोन साउंड्स, और इन टुमारोज लेक्चर वी विल डिस्कस कॉन्सोनेंट साउंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडे, प्लीज सब्सक्राइब अस एंड प्रेस बेल आइकन फॉर एंजॉइंग मोर एजुकेशनल वीडियोज़।